Hey guys, welcome back to the another vlog session of my channel. So today in this series of Nagaland, I will take you a place जो आप देख सकते हो जब आप नागालैंड विजिट कर सकते हो. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए. डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू चेक माई इंस्टाग्राम लिंक ऑन डिस्क्रिप्शन. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स बिगिन टुडेज व्लॉग. So now we'll be moving and we have here our Kolim bhai and Rajat and Ashish brother. See Rajat, this one is Rajat. Hello KGJ. Hello. Aur Ashish. To aaj hum jayenge ek saath. To car mein baith jate hain. And let's go. आज का मौसम भी बहुत सही लग रहा है, पर देखते आज का डे कैसा होता है. तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पे और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए. तो अभी हम यहाँ से ऑटो लेंगे और 6 माइल जाएंगे. तुम्हें से 6 माइल ले पा रहा है? बीस टका चल पुवे. तो 20 रुपये है 6 माइल तक की फेयर. तो अभी अंदर बैठ जाएंगे. अभी हम आ चुके हैं 6 माइल में और 6 माइल पे पड़ता है ये बैम्बूसा. तो ये देखो बैम्बूसा का गेट ये रहा. अभी हम आज आए हैं नागालैंड बैम्बू रिसोर्स सेंटर पे. तो आज यहाँ का आपको टूर दिखाऊंगा. आई होप दैट आपको वीडियो पसंद आएगा. तो चलते हैं, दिखाते हैं नागालैंड बैम्बू रिसोर्स सेंटर. ये रहा नागालैंड बैम्बू रिसोर्स सेंटर का गेट और अभी हम गेट के अंदर जाके टिकट ले लेंगे. और यहाँ पर जने का है 10 रुपये. तो 4 जने हैं तो 40 रुपये लगेंगे. तो अभी हम टिकट काट लेंगे. तो ये मैडम हमारा टिकट काट रहे और अभी पूछ रहे हम 4 जने. तो 4 जने का नाम लिख लिया तो 40 रुपये देने पड़ेंगे. तो टिकट ले लेते हैं और चलते हैं बैम्बू रिसोर्स सेंटर के अंदर और आप सभी को दिखाते हैं आज. नागालैंड बैम्बू रिसोर्स सेंटर के अंदर आते साथ ही आपको नजर आएगा बैम्बूसा एक्सप्रेस और ये बेसिकली एक रेस्टोरेंट है. तो आप लोग अपना मील इंजॉय कर सकते हो यहाँ पे जाके. तो ये रहा पार्किंग स्लॉट और यहाँ पे अपना कार वगैरह पार्क कर सकते हो. तो अभी अंदर जाके आपको इन डिटेल बताएंगे कि आप लोग क्या क्या चीज़ देख सकते हो नागालैंड बैम्बू रिसोर्स सेंटर में. तो ये सामने रहा एक चिल्ड्रन पार्क और बाद में आप सभी को जाके दिखाएंगे कि ये चिल्ड्रन पार्क में क्या क्या है. तो और यहाँ पे व्यू देख सकते हो आप कितना अच्छा लग रहा है, कितना ग्रीनरी है. तो यहाँ ग्रीन लीफ से कुछ लिखा हुआ है. तो क्या लिखा हुआ है आप सभी को दिखाएंगे. तो यहाँ पे लिखा हुआ है NBRC, दैट मीन्स नागालैंड बैम्बू रिसोर्स सेंटर. तो अभी अंदर चल लेते. तो चलते और यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे एक साइन बोर्ड. तो पास जाके दिखाऊंगा कि आप को साइन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है. तो ये डायरेक्शन मेंशन कर दे कि यहाँ पे क्या क्या है. तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, NBDA ऑफिस, एम्पोरियम, बैम्बू आर्चिव, कॉन्फ्रेंस हॉल, गेस्ट हाउस, वेनेटरी ब्लेंड यूनिट. तो यहाँ से जाता है रास्ता. तो ये रहा एम्पोरियम का रास्ता, बैम्बू एम्पोरियम. और ये सामने रहा
बेम्बू आर्चिव म्यूज़ियम। तो ये म्यूज़ियम है यहाँ पे, और पीछे क्या है, तो पीछे ये रहा बेम्बू सेंट्रल नर्सरी। तो यहाँ पे बेम्बू की सिबलिंग्स वगैरह होते, तो आप सभी को मैं बाद में जाके इन डिटेल बताऊंगा कि सिबलिंग्स कौन सी हैं। तो अभी चलते हैं बेम्बू इम्पोरियम की तरफ और आप सभी को दिखाते। तो अभी हम एम्पोरियम के अंदर जा रहे हैं। देखो यहाँ पे एरिया कितना सुंदर है, ये एम्पोरियम एरिया, स्पेशली ये एम्पोरियम एरिया बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। एंड सी कितना सुकून मिलता है यहाँ पे आके। यहाँ पे देखो एक गार्डन का बना हुआ, एंड देखो यहाँ पे एक NBD ऑफिस है। बगल में देखो कितना सुंदर एरिया है, यहाँ पे लॉन्च एरिया है, और ये देखो यह हट भी बने हुए हैं। तो अभी आपको इस हट के अंदर जाके देख दिखाता हूँ कि क्या है। सी व्हाट वी हैव देयर इन दिस हट। तो अंदर चलते हैं। ये देखो ये घर पूरा बैम्बू से बना हुआ है, एस यू कैन सी ये फर्स्ट भी बैम्बू का है। तो यस ये देख सकते हो आप, यहाँ पूरा बैम्बू वर्क से काम किया हुआ है। एंड यस आई एम लाइकिंग दिस प्लेस। तो ये रहा नागालैंड बेम्बू रिसोर्स सेंटर का गेस्ट हाउस, और ये पूरा बेम्बू से बना हुआ है। तो ये देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि ये पूरा बेम्बू से बना हुआ है, पर एक्चुअली ये सब बेम्बू से ही बना हुआ है। तो ये देखो खिड़की के पैनल पे लगे हुए सारे बेम्बूस। तो ये यहाँ पे रहने का मज़ा भी बहुत अलग आएगा, और ये जस्ट लाइक ए कॉटेज हाउस जैसा है, तो अच्छा लगेगा यहाँ रह के। तो इफ़ यू विजिट हेयर प्लीज़ डू स्टे हेयर। और अभी हम जाएंगे बेम्बू एम्पोरियम के अंदर और आप सबको दिखाएंगे कि बेम्बू एम्पोरियम के अंदर क्या क्या होता है। तो यहाँ से है रास्ता बेम्बू एम्पोरियम के अंदर जाने का। तो अभी अंदर आ गए, तो बेम्बू एम्पोरियम के अंदर आते साथ ही हमें नज़र आएगा बहुत सारे बेम्बू जो रखे हुए, और ये सारे यहाँ ट्रीटमेंट्स यहाँ ही होती है बेम्बू की। यहाँ मतलब कि बेम्बू की एग्जामिंग वगैरह हो के बाद में प्रोसेस होता है कि ये एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग में जो जो भी चीज़ यहाँ बनाई गई ये लोग। तो ये देखो यहाँ बेम्बू क्वालिटीज़ वगैरह चेक होती है। एंड दिस इज़ द कॉन्फ्रेंस हॉल ऑफ बेम्बू सा। तो यहाँ पे आप कॉन्फ्रेंस वगैरह रख सकते हो, तो बुकिंग वगैरह यहाँ से मतलब कि ऑफिस से होती है। तो अभी हम जाएंगे यहाँ पे इधर आइसक्रीम मान सी, यहाँ पे कॉमन फैकल्टी सेंटर है, और यहाँ पे बेम्बू मैट प्रोडक्शन एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो अभी इसके अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या बनता है। तो लेट्स सी, यहाँ पे बनता है बैम्बूज के सिटिंग लाइक सोफास वगैरह। तो ये देखो यहाँ पे प्रोडक्शन बनती है बैम्बूज की, यहाँ पे काम कर होता है। यहाँ पे बना रहे भैया और कुछ बेम्बू फर्नीचर, और ये देखने से लगता नहीं कि ये बेम्बू से बने हुए, पर ये एक्चुअल बेम्बू से बने हुए। तो भैया और ने कितनी अच्छी तरह से इसको फिनिशिंग की हुई है, इनकी आर्टिस्टिक स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने कभी नहीं सोचा कि बेम्बू से भी ऐसे फर्नीचर निकलेंगे, पर दे आर एक्चुअली डूइंग इट। एंड इसमें बैठ के भी कितना अच्छा लगेगा, कितना रॉयल लुक होगा जब अपने घर पे रखोगे। तो यस ये देख सकते हो आप। और ये सामने बेम्बू मैट प्रोडक्शन के सामने आपको नज़र आएगा कॉमन फैकल्टी सेंटर। एंड
देख सकते हो, यह भी एक फैक्ट्री है जहाँ पे देखो कितने अच्छे अच्छे बैम्बू के फर्नीचर बने हुए हैं। As you can see, कितना रॉयल लुक दे रहा है ये। तो यहाँ पे बैम्बू की फाइनल फिनिशिंग होती है, As you can see, and this is बैम्बूसा पे एक ओपन ऑडिटोरियम है जहाँ पे कुछ कल्चर इवेंट्स वगैरह होते हैं। तो ये रहा बैम्बूसा का ओपन ऑडिटोरियम और यहाँ पे लोगों के सीटिंग अरेंजमेंट है, वो सारे ब्रिक्स से बनाए हुए हैं। एंड एस यू कैन सी दैट ऑडिटोरियम इज क्वाइट बिग एंड जहाँ पे कल्चर इवेंट होते हैं। ये देखो, यू कैन ऑल्सो ऑर्गेनाइज एन इवेंट इफ यू वॉन्ट इन बैम्बूसा। और ये सारे चीज़ देख सकते हो बैम्बू से बना हुआ है। स्टेज भी कितना अच्छा है। ये रहा चिमनो। और बैम्बूसा पे जब भी कोई भी एग्जीबिशन होता है और कोई भी इवेंट होता है तो यहाँ पे आके आप अपना एग्जीबिशन लगवा सकते हो। एंड यहाँ पे स्लॉट बने हुए हैं और यहाँ पे लिखा भी है जैसे कि किस किस का कौन सा एरिया है। तो यस, यू कैन शोकेस योर एग्जीबिशन है। एंड यहाँ तो ये रहा बैम्बू सीटम। तो इसको सीटम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की बैम्बू लगे हुए हैं, तो इसलिए इसको सीटम बोलते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हो एक हट है एंड यहाँ पे लोग बैठ के अपना मील्स वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। एंड यहाँ पे घूमने के एरिया बहुत शांत स्वभाव की है, बहुत अच्छी है। एस यू कैन सी यहाँ पे एक बैम्बू ब्रिज बने हुए। यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट में बना कर रखे हुए सो दैट यू कैन एंजॉय योर मील, जो आप पिकनिक वगैरह कर सकते हो यहाँ पे। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। यस, सो ग्रीनरी, इतने ग्रीनरी कहीं देखी आपने? यू कैन सी इन नागालैंड। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हो नागालैंड पे, तो बहुत ग्रीनरी है नागालैंड पे। तो अभी हम आपको बैम्बू नर्सरी में जाके दिखाते हैं यहाँ पे कौन सी टाइप की बैम्बूस वगैरह हैं। तो देखो ये कितनी अलग अलग तरह की बैम्बूस हैं, बैम्बू सिबलिंग्स। तो ये देखो अलग अलग प्रकार के बैम्बूस हैं। तो अगर आप बैम्बूस के सिबलिंग्स वगैरह लेना चाहते हो तो यहाँ से आके आप ले सकते हो। ये लोग सेल भी करते हैं बैम्बूस के सिबलिंग्स। तो यस, ये रहा बैम्बू नर्सरी। अभी हम जा रहे हैं बैम्बूसा का गार्डन पे। और गार्डन पे पहले बैम्बू शील बनी हुई थी, अभी ये लोग रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ये बैम्बू शील को। तो वो पुराना हो गया तो इस वजह से खराब हो गया, तो अभी दोबारा से ये लोग बना रहे हैं। ये देखो रिकंस्ट्रक्ट हो रहे बैम्बू शील। एंड यहाँ पे देख सकते हो आप बैम्बू पार्क। एंड यहाँ पे झूले लगे हुए और ये देखो बैम्बू से ब्रिज बनाए हुए। तो एक बार चल के दिखाइए। कितना मुश्किल है देखो बैम्बू ब्रिज, अपना बैलेंस बना के चलना पड़ता है इसमें। ये देखो, as you can see, it's really difficult. वाह, पैर कांप रहे हैं। ला ला ला, वाह, फाइनली पहुंच गए लास्ट स्टेप तक। एंड यस, दिस इज वन ऑफ द गुड इनोवेशन थिंग दैट दे हैव डन। तो अभी चल रहे हैं इसके ऊपर एंड सी हाउ नाइस इट इज कंस्ट्रक्टेड, कितना स्ट्रॉन्ग है। ओ ये देखो रस्सी से कुछ बना के रखा हुआ ब्रिज, रस्सी से इधर नहीं देखो
अभी हम जाएंगे इस टावर के अंदर और आपको दिखाते कि ये टावर कैसा है, ऊपर से व्यू कैसा है। ये देखो, तो ये देखो यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है ऊपर चढ़ के, कितना ग्रीनरी वाइब दे रहे हैं। तो ऊपर से बैम्बूसा का पूरा पार्ट देखते हैं। तो अभी नीचे चलते हैं। तो अभी हम जाएंगे बैम्बूसा एक्सप्रेस पे और जाके यहाँ कुछ खाएंगे और आप सबको दिखाते कि क्या खाते हैं। तो बैम्बूसा के अंदर आते साथ ही आपको यहाँ पे ऑर्डर देनी है अपनी, और ऑर्डर देने के बाद आप जाके बैठोगे अपनी सीट्स पे। तो यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट देख सकते हो, ये आई लव बैम्बूसा। तो अभी ये सब जगह ट्रेंड हो गया कि आई लव सब जगह पे हो गया। तो ये देखो यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट हाउ इट इज रियली गुड। एंड यहाँ पे देखो अंदर भी कितना सही है, कितना अच्छा मतलब कि इंटीरियर है इनका बैम्बू एक्सप्रेस। तो अभी हमने ऑर्डर दे दिया और ऑर्डर देने के बाद आपको मिलेगा ये टिकट नंबर, ऑर्डर नंबर, एंड यहाँ पे आपकी फूड्स वगैरह प्रिपेयर होंगे। तो वहां से हमने चेंज किया है इस जगह पे क्योंकि हवा नहीं आ रही थी, तो दैट्स व्हाई। तो अभी यहाँ बैठ के हम विल बी एंजॉयिंग आवर लंच। सो दिस आर द ऑर्डर्स दैट वी हैव ऑर्डर्ड टुडे, एंड दिस वन इज जॉली पांडा एंड दिस वन इज माइटी पांडा। और ये हमारे ड्रिंक्स हैं। तो अभी इसको खा के आपको बताते कि ये टेस्ट में कैसा है। तो अभी खाते हैं इसको और बताते। तो दिस इज द फर्स्ट बाइट, क्वाइट फ्लेवरफुल है, बहुत ज्यादा अच्छा है, फ्लेवर बहुत अच्छी तरह से आ रहा है इसकी। यस आई लाइक दिस। और ड्रिंक को भी पी के देखे थे, वाओ वाओ आई रियली लाइक दिस ड्रिंक, बहुत अच्छा है ड्रिंक। एंड मेल कंप्लीट करते हैं और आप सबसे बात करते हैं। तो ये रहा नागालैंड का नागालैंड बेम्बू रिसोर्स सेंटर। तो आज हमारा डे यहाँ बहुत अच्छा गया है। तो मैं अभी यहाँ पे वीडियो एंड करूंगा। तो आप सबसे मैं मिलूंगा अगली ब्लॉग पे, और मेरे चैनल पे बने रहिए। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।